हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 350 4Matic GL की गेयरबॉक्स ऑटोमेटिक। तो हमें फ्रेंड इसमें ये हाउसिंग जो है ये ओपन करना है। तो इसके लिए फ्रेंड क्या क्या ओपन करना पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये इसका ऑयल सम है, ये ऑटोमेटिक गियर का। ठीक है फ्रेंड, ये पहले ऑयल सम ओपन कर लीजिए। इसमें फ्रेंड आपको 6 बोल्ट मिलेंगे, ये टाइप के ऐसे 6 बोल्ट आएंगे। ये आप इजीली 8 के टी पाने से या ब्लैक पेटी के 8 के बॉक्स पाने से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद से आपको ये मिलेगा ऑयल फिल्टर बॉडी, ये पाउच से, ये ऑटोमेटिक गियर का है जो अंदर पूरा ऑयल सप्लाई करता है फिल्टर करके। ठीक है, इसको आप इजीली ऐसा इसमें प्रेस रहता है, आप इसको प्रेस करके ओपन करके बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद से आ गया आपका ये मेगा टॉनिक जो हम आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड आपका आ गया मेगा टॉनिक। ये फ्रेंड देख सकते हैं, ये इस तरह से इस पे बैठता है। ये देख सकते हैं, ये आपका मेगा टॉनिक आ गया। फ्रेंड इसको निकालने के लिए एक और तरीका है जो आपको परेशान करेगा, वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो स्विच है, ये देख सकते हैं स्विच है, ये इसके अंदर बैठता है। तो ये इसके अंदर फ्रेंड ये स्विच, ये आपको निकालने के लिए बहुत परेशान करेगा। तो हम आपको इसको इजीली तरीका बताते हैं। ये जब इसमें फिट रहेगा तो इसके नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे मोटा कोई स्क्रू ड्राइवर या एल टॉमी रख कर इसके नीचे से आपको दिखाते हैं फ्रेंड, 2 मिनट। इसके नीचे से फ्रेंड जैसे स्विच हो गया तो आप इसके नीचे से ना इसको ये पोजीशन पे रख के ऐसा ऊपर की तरफ प्रेस कीजिएगा, और एक आदमी को ऊपर से थोड़ा ये मेगाटोनिक को बोलेगा हल्के हाथों से पकड़ के रखने के लिए, और आप इसको स्विच को नीचे से प्रेस करेंगे तो ये मेगाटोनिक आपका बाहर आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कभी कभार, अगर आप इसको समझ लीजिए फाइनली ये ऊपर से जैसे आपने रख दिया, ठीक है फ्रेंड, ऐसा आपने रखा है, ठीक है फ्रेंड, अगर समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे ऐसा ऊपर से कटा रहे हैं यहाँ से, तो आपके स्विच है टूट जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड अगर समझ लीजिए आपका एक स्विच टूट गया, ठीक है फ्रेंड, तो अगर टूट गया तो आपको पूरा मेगाटोनिक आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से स्विच आपको मिलता नहीं है, इसमें कनेक्टेड आता है अंदर ही अंदर, तो आपको स्विच मिलेगा नहीं, इसलिए पूरा आपको मेगाटोनिक चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको कभी भी ओपन करेंगे मेगाटोनिक तो ये संभाल कर इसके नीचे स्क्रू ड्राइवर का सपोर्ट देकर और ऊपर से हल्के हाथों से पकड़ के तब इसको मेगाटोनिक ओपन कीजिएगा, ठीक है। ये जो फिल्टर है फ्रेंड, ऑयल फिल्टर, ये इसमें प्रेस होता है, आप देख सकते हैं ये मेगाटोनिक में। तो हमने इसे ओपन किया है, तो ये फिल्टर ओपन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये मेगाटोनिक में फ्रेंड देख सकते हैं, ये एलंकी के 10 बोल्ट आते हैं टोटल, ये जो हमने ओपन किए हैं ऐसे 10 बोल्ट आप ओपन कर लीजिएगा। 30 नंबर के एलंकी से 30 नंबर का एलंकी लगेगा इसमें, ठीक है फ्रेंड। ये मेगाटोनिक हम आपको साइड में रखते हैं और अभी आपको बताते हैं। और एक फ्रेंड, ये सारी चीज़ें, ये ऑयल सम, ये फिल्टर और ये मेगाटोनिक, ये हाउसिंग निकालने के लिए हमें क्यों ओपन करना पड़ता है फ्रेंड, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वाल है, ऑयल सप्लाई वाल, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेगाटोनिक में लग कर ये हाउसिंग में ये इसमें फिट होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप ये मेगाटोनिक निकाल कर ओपन करके अगर वाल नहीं निकालेंगे और ये जो हाउसिंग है इसको बाहर लेंगे, ऐसा बाहर लेने की कोशिश करेंगे, तो ये जो आपका वाल है ये दो टुकड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड सिर्फ हमें ये सारी चीज़ें ओपन ये वाल के लिए ओपन करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। ये सिर्फ वाल के लिए हमें मेगाटोनिक, ऑयल फिल्टर, इसका जो ऑयल फिल्टर जाता है, ऑयल सम आता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रेंड ये वाल के लिए हमें ओपन करना पड़ता है। तो अगर आपको कभी भी हाउसिंग निकालना रहेगा तो सबसे पहले ऑयल सम, ऑयल फिल्टर और ये मेगाटोनिक ओपन करके फिर ये वाल बाहर निकाल लीजिएगा, उसके बाद से आप ये हाउसिंग है इजीली बाहर ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम आपको ये हाउसिंग बाहर निकाल कर दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसका हाउसिंग बाहर निकाल रहे हैं।
ये हमारा हाउसिंग बाहर आ रहा है फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हाउसिंग हमने बाहर ले लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने आपको हाउसिंग ओपन करने का तरीका बता दिया था कि हाउसिंग ओपन करने के लिए आपको क्या क्या ओपन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये मर्सिडीज जीएल का है, 350 फॉर्मेटिक का गेयरबॉक्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।